रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार में धर्मसभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। धर्मसभा में मंच से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबका कल्याण है और इसके सूत्र भी सनातन धर्म में शामिल है। सभी सनातन धर्म का पालन करके चलेंगे तो भारत विश्वगुरु एक दिन जरूर बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि उच्चारण से भी समाज में परिवर्तन आना आता है। और बता दें कि जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने साधु संत, राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंच रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, उस आयु में सिद्धांत त्रिवेदी को जितना ज्ञान था उतना ही ज्ञान आज भी है। यह परमात्मा की कृपा है। केवल कभी कभी तो यह सब सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जब छोटे थे तब भी, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तब भी सुधांशु को अपने पास बैठा कर सुनता मैं रहता था। अब ऐसे वक्ता हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन आज यहां पर हम उपस्थित हूं, यहां पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। और भारत की संस्कृति को देश और विश्व में पहुंचाने वाले सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो ये संत सभा है राकेश जी, जिसमें हमारे परम पूज्य संत विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी तप तपस्या से, अपने समर्थन से इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को पहुंचाकर एक मानव कल्याण का काम किया है।